वेलकम टू स्वरांजलिस किचन। आज हम चॉकलेट बनाना सीखेंगे, इसलिए हमें लगेगा डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड, व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट्स, ये सब आपको अलग अलग कंपनीज में भी मिल सकते हैं, आपके एरिया वाइज मिलेंगे। उसको ग्रेट करके लेना है, बारीक चॉप करके। हम उसको डबल बॉयलर मेथड से उसको मेल्ट करके लेंगे, पूरे अलग अलग चॉकलेट्स को अलग अलग मेल्ट करना है। नीचे पानी रखना है, उसके ऊपर एक बाउल में चॉकलेट डाल के उसको मेल्ट करके लेना है। अच्छी तरह से मिलाते रहना है, हमें इसमें एक बूंद भी पानी नहीं गिरने देना है, वरना अपना चॉकलेट सेट नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से मेल्ट कीजिए और पाइपिंग बैग में भरिए। फिर हमें चॉकलेट बनाना शुरू करना है। इसके लिए हमें ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो जो भी स्प्रिंकल्स रहते हैं, स्वीट स्प्रिंकल्स, वो लगेंगे। और चॉकलेट मोल्ड जो होते हैं, सिलिकॉन के चलेंगे या प्लास्टिक के भी चलेंगे, आपको बाजार में इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और हम अब क्या करेंगे, जो भी हमने पाइपिंग बैग में चॉकलेट्स भरे हैं उसको अलग अलग मोल्ड में डालेंगे। पहले मैंने पिस्ता लिया है, थोड़ा सा मोल्ड में पिस्ता डाला है, थोड़े से मैंने किशमिश लिए हैं। ऊपर से हमें चॉकलेट डाल देना है। आप तीनों चॉकलेट में से कौन सा भी चॉकलेट यूज कर सकते हो। मैं अभी मिल्क कंपाउंड चॉकलेट डाल रही हूँ। और हमारे पास जो भी घर में चीजें अवेलेबल है उससे हम बना सकते हैं। ये पूरी तरह से होममेड चॉकलेट है और बहुत टेस्टी होता है। ये चॉकलेट बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसे हम हाइजीनिक तरीके से घर में बना रहे हैं। हम इजीली ये बच्चों को भी खाने के लिए दे सकते हैं। मैंने अभी गोल्डन स्प्रिंकल डाले हैं थोड़े से चॉकलेट मोल्ड में, वो भी शुगर से बने हुए होते हैं, कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे आपको। उसके ऊपर आपको कौन सा भी चॉकलेट जो भी अभी अवेलेबल है, अभी मैं स्टार स्प्रिंकल डाल ली हूँ, ये भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई भी केक शॉप में या चॉकलेट्स का सामान जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। और अब हमें यही, मैं जो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। थोड़ा सा कोकोनट ग्रेट करके डाल सकते हो, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा काजू, अखरोट, या फूल जो होते हैं अपने गुलाब फूल, उसकी पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हो। मैंने अभी ये टू कलर्स में बना के बताया आपको। मैं थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट डाल रही हूँ और अभी ये डार्क चॉकलेट मैंने डाला है। इसको भी ऐसे मैं पाइपिंग बैग में डाल के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है चॉकलेट को, और फिर ऐसे मोल्ड में फिल करना है। इसको अपन जैसे भी फिल करेंगे वो सेट होना शुरू होता है। जब हम ये दोनों भी अलग अलग कलर आएंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप चॉकलेट डाल के बना सकते हो। ये व्हाइट चॉकलेट है प्योर, और हम जब भी पूरी तरह से मोल्ड भरेंगे, अभी मैंने बादाम लिया है, हम चॉकलेट थोड़ा सा नीचे भर के ऊपर से बादाम डाल सकते हैं। इसको हम ड्राई फ्रूट चॉकलेट बोलेंगे। अब हम इस पर मनुका डालेंगे, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। ऊपर से मैंने व्हाइट चॉकलेट डाला है और इसे हम अच्छे से टैप करके लेंगे, जो भी एयर बबल्स है साइड में उसके, उसमें चॉकलेट अच्छे से बैठ जाएगा और अपना चॉकलेट इवनली निकलेगा। जब भी हम निकालेंगे ना फ्रिज में सेट करने के लिए, अभी हमें इसमें इसको रखना है, इसको हार्डली 10 से 15 मिनट में ये चॉकलेट इजीली सेट हो जाता है। एक्सेस जो भी ऊपर का चॉकलेट है वो आप निकाल सकते हो। ये भी मैं तीनों कॉम्बिनेशन से बना रही हूँ, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट से। अब मैं काजू डाल रही हूँ, मनुका भी डाल सकते हो। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स इजीली खाते नहीं है, मेरा बच्चा वैसे ही है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, चॉकलेट में डाल के ऐसे ऐसे दे देती हूँ, वो इजीली खा लेता है। अभी हम लेंगे चॉको चिप्स, थोड़े से मैंने नीचे चॉको चिप्स डाले हैं और गोल्डन स्प्रिंकल्स डाले हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है। हम इस पे व्हाइट चॉकलेट डाल देंगे,
इसको एक बार आप बना लीजिए, थोड़ा सा पोर्शन में बना के देखिए, आपको बहुत इजीली बनाना आप सीख जाओगे। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क चॉकलेट, थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। और मैंने इसमें बादाम डाला है, बादाम को अच्छी तरह कोट करके एक नॉन स्टिक या आप स्टील की भी प्लेट में ले सकते हो। अब मैंने इसमें अखरोट डाला है, इसको भी अच्छे से चॉकलेट से कोट करके लेंगे, इसको भी प्लेट में निकाल लीजिए। हम जो बाहर मार्केट में जो मिलते हैं ना हमारे पास चॉकलेट्स, उसी तरह इसका टेस्ट आता है, सेम टू सेम। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी अपने पास है उसको हम चॉकलेट में डालेंगे, उसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। एक बात जरूर याद रखना, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स लोगे उसको पहले आपको थोड़ा सा रोस्ट करके लेना है, मतलब थोड़ा सा क्रंच अच्छा आएगा। अब हमने जितने भी अपने इंग्रेडिएंट्स जो भी बचे थे चॉकलेट्स बनाने का, ये सबसे इजी चॉकलेट है, आपको भी जरूर पसंद आएगा, ये मेरा सबसे फेवरेट चॉकलेट है। हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स भी डालेंगे क्रश करके, जो बच्चे खाते हैं ना नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स, इसको ओनली ऐसा शुगर कोटेड होते हैं वो वाले। और सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने उसमें डाल दिए, थोड़े से रोज पेटल्स डाल दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मेरे पास चॉकलेट बचा था दूसरे चॉकलेट्स बना के, उसका थोड़ा सा पूरी तरह से मैंने डार्क चॉकलेट इसमें डाल दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास जितने भी चॉकलेट्स अवेलेबल है मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इस चॉकलेट का फंडा ही वो है कि जितने भी अपने पास जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उससे इजीली और बहुत टेस्टी ये चॉकलेट बनता है। इसको हम रॉक चॉकलेट बोलते हैं, पहले जिसको हमने ड्राई फ्रूट चॉकलेट बोला था ये है रॉक चॉकलेट। रॉक मतलब पत्थर, पत्थर जैसे शेप में आते हैं ये और बहुत टेस्टी होते हैं। इसको थोड़ा सा भी आप डेकोरेट कर दीजिए, पहले आपको दिखने में ऐसे दिखेंगे ये, और अच्छे से सेट हो जाते हैं और ऐसे इसका बन जाता है। बस इसको लीजिए, रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए रखिए। थोड़े से मैंने गोल्डन स्प्रिंकल्स डाल दिए, थोड़ा सा वाइट चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट से थोड़ा सा उस पर गार्निश कर दीजिए, या थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, चॉको चिप्स भी, वाइट चॉको चिप्स भी अच्छे दिखते हैं इसके। अब इसे सेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में मैंने रख दिया था। अभी हमारे सभी चॉकलेट रेडी हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट में सब रेडी है। अब मैंने कुछ डिमोल्ड करके रखे हैं, आपको मैंने कैसा करना है वो बता रही हूँ। ये है सिलिकॉन के मोल्ड, इसलिए ये बहुत इजीली डिमोल्ड हो सकते हैं। इसको सिर्फ नीचे से लाइटली ऐसा धकेलना है हमें ऊपर से, और वो इजीली ऐसे निकल के आते हैं। इसको हमें कुछ ऑयलिंग वगैरह करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो ये सब देख रहे हो सभी चॉकलेट्स होममेड है, इसको हम किसी भी मार्केट में नहीं गए, कुछ भी नहीं, इतने तरीके की चॉकलेट्स हम बना सकते हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और थोड़ा सा सब्र, बस इतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। आप इसको अच्छे से पैक भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा इसको अच्छे से रैप करके आप किसी भी ओकेजन पे, दिवाली पे, दशहरा, या आप राखी है, या कुछ भी फंक्शन है, कुछ भी प्रोग्राम से, शादी है, तब आप उनको दे सकते हो। अच्छे से पैक कीजिए। इसको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि आप इसको ओपन मत रखिए, इसको जब भी आप फ्रिज में सेट करके निकाल लोगे, निकालने के बाद इसको एयरटाइट कंटेनर में रखना है, वरना ये स्वेटिंग हो जाती है इसको, और जल्दी से पानी छूट जाता है और टेक्सचर खराब हो जाता है चॉकलेट का। तो अभी हमें क्या करना है, ये सिल्वर फॉइल्स मिलते हैं कहीं भी, सिल्वर यानी कि गोल्ड लिया है मैंने, अलग अलग कलर के आपको अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, जो भी आपको पसंद हो कलर वो लाइए, उसको इजीली रैप कर दीजिए, उसको एक अच्छे से आप पैकेट ले सकते हो, या ऐसे ही एक आधा अपना बॉक्स होता है ना मिठाई का, मिठाई के बॉक्स में भी इसको अच्छे से रख के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत इजी है और आपको कहीं मार्केट में घूमने की गरज नहीं पड़ेगी, आप घर में इजीली बना सकते हो, इजीली रैप भी कर सकते हो। ये सिल्वर फॉइल भी मिलती है, या गोल्डन फॉइल, या ये सभी चॉकलेट रैपिंग फॉइल्स मिलेंगे,
और मैंने जो अभी ये सिल्वर पॉड यूज़ कर रही हूँ इसको बोलते हैं ऐसा नॉर्मल, आप अगर स्टेशनरी में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ये तार होती है छोटी सी, इसको हम इजीली कोट कर सकते, इसको किससे भी बाइंड कर सकते हो। ऐसे चॉकलेट्स हमें इजीली लेना है, उसको रखना है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर आप बना सकते हो। अब मैंने जैसे ड्राई फ्रूट बनाया, थोड़ा थोड़ा अलग अलग चॉको चिप्स डाल के बनाया, व्हाइट चॉकलेट में डार्क चॉकलेट के चॉको चिप्स, ऐसा अलग 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 कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। इसमें पान चॉकलेट भी डाल सकते हो, आप मन चाहो जो बना सकते हो। आपको एक बार चॉकलेट मेल्ट करना आ गया तो आपको सब आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया है, आपको शादी में जो हम देते हैं ना, हाँ उस तरीके से हम ऐसे चॉकलेट रख के इसको अच्छे से डेकोरेट करके शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में हम इसे इजीली अच्छे से घर में बना के दे सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। प्लीज़ ट्राई माई रेसिपी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।